एशिया का सुप्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर अब कल से शुरू होने वाला है, लेकिन इस मेले के शुरू होने से पूर्व जो कहा जाता है कि यह मेला जो है पशु मेला के नाम से विख्यात है। तो यहाँ तरह तरह के पशु जो आते हैं वो अपना जलवा दिखाते हैं। यहाँ पे कई तरह के पशुओं को बिक्री और खरीद बिक्री के लिए लाया जाता है। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से जैसा कि आपने पहले भी देखा, बकरी मार्केट में कई तरह की बकरियाँ हैं, कई तरह के घोड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अभी नायाब और सबसे महंगा अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक भैंसा आई है। इस भैंसे के बारे में जानकारी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो भैंसा है, ये भैंसा कहाँ से लाया गया है, इस भैंसे की क्या क्वालिटी है, क्या कुछ खासियत है, इन भैंसे के जो मालिक हैं इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रामजतन यादव नाम है हमारा। जी कहाँ से हैं आप? हम हैं बनारस जिला से। बनारस जिला से जी। ये जो भैंसा है इसे आप यहाँ पे लाए हैं, किस क्वालिटी का भैंसा है? ये मुर्रा नस्ल का भैंसा है सर। क्या खासियत होती है? मुर्रा नस्ल का भैंसा में सिंह की जैसे खासियत है कि देखिए सिंह एकदम रिंग में अच्छा रहेगा, फेस कटिंग की अच्छी रहेगी, हेड लाइन शरीर की अच्छी रहेगी, और जो भी इससे बच्चा होंगे वो भी अच्छे होंगे, और इससे दूध जो भी बच्चा होंगे अच्छे देंगे। और इसका दाम 2 करोड़ रखे हैं हम यहाँ पर। 2 करोड़ रुपये? जी सर। 2 करोड़ रुपये भैंसा का? भैंसा का तो यहाँ के माहौल से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता भैंसा ही नहीं देखा ऐसा दाम के, तो बात छोड़ दो, ऐसा भैंस भी नहीं देखा है, पूरा बिहार का बात चैलेंज कर रहे हैं। तो उसको लगेगा कि ये सब तो अफवाह है कि है आपको देखने में पूरा बिहार में है। ये कहाँ से आप लाए हैं? हम तो बनारस जिला से। आप आखिर ये भैंसा आप लाए कहाँ से हैं? किसी ये तो पंजाब से आए। पंजाब से आए जी। कितने दिनों के है भैंसा? ये 3 साल का है अभी। अच्छा, 3 साल का है। इसकी हाइट क्या होती है? ये समय 5.5 फुट है अभी। 5.5 फुट और बढ़ेगी? हाँ, इसका स्पन उतरेगा, जैसे सीमन बनता है ना जी, तो एक रिफिल 200 के 300 के आती है। अच्छा, चढ़ाने वाला। तो अगर इससे हम नॉर्मली एक बार क्रॉस करेगा तो जीवाड़ी के ऊपर, चाहे मनुष्य का हो चाहे इंसान का, तो कम से कम लाखों संख्या में होते हैं, तो उसमें से 70% रिजेक्ट हो जाते हैं। 30% माने 30,000 रिफिल बनी। अगर 30,000 रिफिल बनी तो 200 के रेट से 60,000 का हुआ, तो उस हिसाब से आमदनी इसका रोज का है। खिलाते क्या है? इसको सेव खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और चना गेहूं, और इसको खल उल जो, और महीने में 2 बार घी भी देते हैं। अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो औसतन 25 से 3 हज़ार का खर्च आता है। 2500 से 3 हज़ार का। जिस तरह से आप इनका खुराकी करते हैं, इसके देख रेख में भी आप लोगों को कई लोगों को रखना पड़ता होगा? हाँ, दो लोग रखे हैं। हाँ, 10-10 हज़ार उनकी सैलरी है। अच्छा, ये घोड़ा क्या, ये भैंसा क्या लग रहा है कि सोनपुर मेले में आप बेचने के लिए लाए हैं या प्रदर्शन? हाँ, बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं है यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ का बाजार समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच करके आप यहाँ पर इसे लेकर? अरे वो तो LIC वाले पप्पू जी हैं, वो मित्र वही बोलाए, उनके बुलाने पर हम आ गए। ये पशु मेले के बारे में तो आपको जानकारी होगी कि सोनपुर में पशु मेला लगता है? हाँ, बस ये सुने थे कि नहीं, अच्छा लगा, पहली बार अब यहाँ आए हैं आकर। हाँ, अब आगे जय होगा अभी उतना समझ नहीं। ये जो आपके पास 3 है, भैंसा भी है, भैंसी भी है, इन सब की क्या क्वालिटी है, इन लोगों की क्या रेट रखे? ये भी मुर्रा नस्ल की भैंस है सब। अच्छा, 20+ की ही दोनों भैंस है। वो थोड़ा बीमार हो गई है, इसमें दिक्कत में आ गई है, उसका लाने में गाड़ी में, क्योंकि ब्याने में समय था, बच्चा फेंक दी पहले, उसका बच्चा भी गुजर गया है, अब एक तरह से वो दिक्कत में ही है, और ये 2-4 दिन में बच्चा दे देगी। अच्छा, ये बताइए कि इसका अभी फिलहाल वजन क्या होगा? ये आपका भैंसे का नाम आपने क्या रखा? राजा रखा है। राजा, इस राजे का अभी वेट क्या होगा? 10 क्विंटल से ऊपर, यानी कि 1000 किलो से ऊपर का है। 10 क्विंटल जी। अभी और भी? हाँ हाँ, अभी तो जवानी पर जब आएगा, करीब अगले साल के बाद तो और होगा, अभी तो 3 साल 3.5 साल का होगा, जब ये 6 साल में 7 साल में होगा तो और। तो जैसा कि आपने सुना कि ये मुर्रा नस्ल की भैंसे है, और इसकी कीमत सोनपुर मेले में 2 करोड़ रुपए रखी गई है। 2 करोड़ रुपए का ये भैंसा है, और इस भैंसे की जो क्वालिटी है इनके मालिक ने बताया है कि इसमें की क्या क्वालिटी होती है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी महज ये 3 वर्षों का है, और अभी इसकी हाइट जो है 5.5 फीट से के लगभग है, और जैसे जैसे ये अपनी जवानी की दहलीज पे ये कदम रखेगा वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ेगी। लेकिन इनमें थोड़ी सी उदासी ये भी है कि इस नस्ल के और इतने महंगे भैंसे खरीदार बिहार के इस सोनपुर मेले में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर इन्हें संदेह है। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये मुर्रा नस्ल का यह भैंसा को यहाँ पर लाया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई है, अब ये बिक पाता है या नहीं, या इसे फिर लेकर के सोनपुर मेले में दोबारा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, सोनपुर।